अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप लोग। उम्मीद करता हूँ अल्लाह पाक ने आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। जी अभी के लिए मैं आया हूँ बहरिया डॉन, अभी आया हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक सॉफ्टवेयर हाउस है, उसके बाहर मैं खड़ा हूँ, योडो सॉफ्टवेयर हाउस। एक्चुअली मैं यहाँ पर आया नहीं, मेरा दोस्त यहाँ पर काम करता है तो उससे मिलने आया हूँ। वो उसने अभी मुझे कहा कि थोड़ी देर में मैं आता हूँ तो फिर तेरे से बात करता हूँ, क्योंकि यहाँ से फिर सीधा मैं अब जाऊँगा चैनल। और कपड़े आप देख सकते हैं, मैं पहले से वाइट शर्ट मैं पहन कर ही आया हूँ। मैंने कहा फिर वो टाइम नहीं मिलता, आज के दिन मैं वाइट शर्ट पहन कर आया हूँ। और अभी देखते हैं क्या होता, क्योंकि मैं फ़ोन अंदर नहीं लेके जा सकता। काफ़ी कोशिश की लेकिन वहाँ काफ़ी स्टाफ बैठा हुआ, मैंने कहा बड़ा अजीब सा लगेगा। तो वो कह रहा अभी मैं आधे पौने घंटे तक मैं फ्री होता हूँ तो फिर मैं तेरे से ना आकर मिलता हूँ, क्योंकि वो कुछ काम कर रहा है। मैंने कहा चलो उतनी देर मैं बाहर थोड़ा सा घूम फिर लेता हूँ तो फिर थोड़ी देर में बात करता हूँ। जी नाज़रीन, तो अभी ये मेरा दोस्त आ गया बाहर, दानियाल। अस्सलामुअलैकुम। तो दानियाल, आप सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं, क्या ऐसा काम कर रहे हैं, ज़रा थोड़ा सा बताएं। मैं ऐसा डिजिटल मार्केटिंग का काम कर रहा हूँ। हमारा बेसिकली काम होता है फ्रीलांसिंग करना। बाहर यूरोप और यूएसए वगैरह से क्लाइंट्स को हम डील करते हैं, सारा बेसिकली हमारा यही काम है, आईटी का सारा। सही हो गया, तो कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है यहाँ पर? काफ़ी अच्छा जा रहा है फिलहाल। तो इसमें ये है कि आपको स्टार्ट में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब आपका हाथ सेट हो जाता है उसके बाद आपके लिए इजी है, इतना कोई टफ नहीं है। तो ये बाकी जो फर्म्स हैं जो मंथली जॉब कर रहे हैं, ये वैसा नहीं है, ये क्लाइंट बेस पे रहता है? हाँ, ये आपका इंडिपेंडेंटली आपको डील करते हैं ना सारा, ये आप कहीं पर जॉब नहीं करते एज अ क्लाइंट। आप जितना आपको कमीशन आप क्लाइंट से लेके आ रहे हो, उस आपको कमीशन अपने बनता रहता है, और ये जॉब से तो बेहतर ही है अपना। चलो सही है। और नज़ीर ने, मैं बताता चलूँ कि ये मेरा बचपन का दोस्त है, और साथ साथ जितने भी अपकमिंग व्लॉग्स होंगे, जहाँ भी मैं जाऊँगा किसी जगह पे कोई विज़िट करने या कोई भी खाने के लिए अगर मैं चला गया तो ये दानी ज़रूर मेरे साथ होगा। तो दानी, आज से आप इस चैनल का हिस्सा हैं, अपने आप को कंसीडर करें। तो मज़ीद अब मैं चैनल के लिए निकलने लगा, थोड़ी देर में मैंने कहा चलें अभी ये फ्री हुआ था तो मिलवाता हूँ आप लोगों। अभी आपको मेरे ज़रा बाल वगैरह थोड़े बड़े लग रहे होंगे, मैं जैसे फ्री होऊंगा मैं करवाऊँगा इंशाल्लाह। ओके, बस शुक्रिया जनाब। तो मैं अब चैनल पहुँच चुका हूँ, और अभी बाइक मैंने पार्किंग पर खड़ी की है, और काफ़ी अच्छा मौसम है, और सामने आप देख रहे होंगे क्रिकेट मैच चल रहा है यार, बड़ा ज़बरदस्त था। तो अभी मेरा हुलिया बहुत ख़राब हुआ पड़ा है, तो अभी ऊपर चलते हैं, ज़रा तैयार होते हैं, तो बाकी की वीडियो मैं ऊपर चलता हूँ। जी जनाब, तो अभी मेरा मेकअप शुरू होने लगा, तो अभी थोड़ा सा भी इसने किया तो उसको ज़रा नीचे से मेकअप आर्टिस्ट को कॉल आई है, ज़रा कोई सामान लेना उसने। तो अभी देखिए मेकअप होता है तो साथ साथ मैं दिखाता भी हूँ आपको, तो वो कैसे हो गया अभी तो आई इसके आंखों के नीचे ही हुआ, और अब ये दोबारा शुरू होने लगा। मैं जा रहा हूँ 2 बजे का स्टैंड बाई करने, तो हेयर स्टाइल भी ठीक है, मेकअप भी ठीक है, ओके है। तो 2 बजे के बाद मैं कोशिश करता हूँ मज़ीद वीडियो बनाने की, कुछ नया करने की, और ज़रूर आपसे कहूँगा कि शोर की आवाज़ थोड़ी बहुत आएगी और कुछ व्लॉगिंग में इश्यूज़ आ रहे हैं। ये स्टार्टिंग है क्योंकि मैं अभी सीख रहा हूँ, मैं साथ साथ लेकर चीज़ें चल रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में मज़ीद अच्छी तरह व्लॉगिंग करेंगे और आपको ज़रूर पसंद आएगी। जी तो नाज़रीन, अब मैं जा रहा हूँ अंदर स्टूडियो में, अंदर रूम है तो मैं कैमरा नहीं लेकर जा सकता, तो अभी मैं हेडलाइंस करने लगा, उसके बाद फिर मिलता हूँ। जी तो अभी मैं आ गया हूँ स्टूडियो के बाहर, मैंने हेडलाइंस कंप्लीट की हैं अपनी, अभी 3 बजे का बुलेटिन होने जा रहा है, वो करेंगे वारिस भाई, उसके बाद फिर रोज़ा सहरी का टाइम हो जाएगा, तो सहरी के वक्त आपको मिलता हूँ। और काफ़ी अच्छा लग रहा है, यानी कि व्लॉग्स वगैरह करना, अपने आप का थोड़ा बहुत बताना, पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ कैसी है। तो उम्मीद करता हूँ आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करूँगा, और कल भी एक बहुत अच्छा व्लॉग आपके लिए लेकर आऊँगा, क्योंकि कल मैं अपने दोस्तों की तरफ जा रहा हूँ इफ्तारी पर, इंशाल्लाह वहाँ भी भरपूर व्लॉग करेंगे, व्लॉगिंग करेंगे, और आप लोगों से ज़रूर शेयर। हाँ जी, तो अभी सहरी का टाइम हो रहा है और मैं और वारिस भाई सहरी कर रहे हैं, तो अभी हमारे सामने ये चीज़ें हैं। वारिस भाई, आपको कैसी लग रही है सहरी, ज़रा बताइएगा। बिल्कुल ज़बरदस्त, और टाइम थोड़ा रह गया, अब भी आ गए टाइम थोड़ा रह गया। अच्छा, सहरी में मैं ये खा रहा हूँ आज है जी, ये कीमा और दही और पराठे, बल्कि ऑनेस्टली स्पीकिंग थोड़ा सा ही खाऊंगा,
सैरी कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं, क्योंकि अब 6 बजे का बुलेटिन जो है वो मेरा है, अब वारिस भाई की जरा 5 बजे की हेडलाइंस है। तो अभी मैंने सैरी कर लिया है, नमाज़ पढ़ के मैं फ्री हुआ हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे जा रहे हैं रोज़े, आज का भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा जाएगा। सैरी भी बहुत अच्छी थी और उसके साथ साथ मौसम भी बहुत अच्छा था। और अभी मैं बस 6 बजे का बुलेटिन मेरा रह गया, वो अभी भी थोड़ी देर में पढ़ने जा रहा हूँ, एक दफ़ा गो थ्रू कर लूँ, कुछ नए नए अल्फाज भी हो सकते हैं, वो भी उससे भी कुछ के चीज़ सीखने को मिल जाती है कि जो, क्योंकि आपको पता है सीखने का अमल जारी रहता है। तो अभी मैं 6 बजे का रिटर्न कर लूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करता हूँ। तो ये आखिरी वीडियो है मेरी, यानी कि आखिरी पार्ट है, और मैंने अभी 6 बजे का रिटर्न किया है, और मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, आप देख सकते हैं मौसम काफ़ी अच्छा हो गया। और अभी मैं बस थोड़ी देर में निकलने लगूँ, एंकर्स का वेट करूँ, जैसे आते हैं फिर मैं निकल जाऊँगा। और आज सैटरडे हो गया अल्लाह के हुक्म से, और आपसे ये लोगों से अपील है कि इंशाल्लाह ताला आज भी मैंने जाना है, कल भी जाना है, और मैं ज़रूर मज़ीद व्लॉग्स भी अपलोड करूँगा। और थोड़ा सा ये था कि कुछ व्लॉगिंग का इशू मुझे आ रहा था, टेक्निकलिटीज़ का, वो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ ठीक होता रहेगा, क्योंकि मैं सब चीज़ें खुद ही कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा वक्त तो लगता ही है। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि चैनल को लाइक कीजिए, आगे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और करवाइए भी कई लोगों को कह के। अल्लाह हाफिज़।